गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर परिकर का देर रात 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। परिकर एडवांस पैंक्रियाटिक कैंसर से ग्रस्त थे, जिसका पता पिछले साल फरवरी में चला था। उसके बाद उनका गोवा, मुंबई, दिल्ली और न्यूयॉर्क के अस्पतालों में इलाज कराया गया था और आज मनोहर परिकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत सरकार ने आज देश में राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है और इस दौरान सरकारी दफ्तरों में तिरंगा आधा झुका रहेगा। उनके निधन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत देश के बड़े दिग्गजों ने शोक जताया। मनोहर परिकर का राजनीतिक जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। वो 4 बार गोवा के सीएम रहे। 14 मार्च 2017 को परिकर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने थे और आखिरी वक्त तक वो बीमारी से लड़ते हुए भी सीएम ही बने रहे। गोवा की राजनीति में मनोहर परिकर की मजबूत पकड़ थी। अपनी सादगी की वजह से वो जनता में बेहद लोकप्रिय थे और कई बार कार्यकर्ताओं की बाइक पर ही बैठकर लोगों से मिलने निकल पड़ते थे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर की सादगी और आखिरी वक्त तक जज्बे के साथ देश सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।